दोस्तों नमस्कार, स्पेशल विश पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और रक्षा मामलों के भी जानकार हैं और राजनीति के भी अच्छे विश्लेषक हैं मृगांक जी, मृगांक सिंह। आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं वह चर्चा दरअसल राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन को लेकर यह बयान दिया कि भारत में कोई सामान नहीं बनता है, जो भी भारत में सामान मिलता है उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा रहता है, सारा सामान चीन में बनता है। इसके अलावा उन्होंने भगवान और देवता को लेकर भी कुछ बातें टिप्पणी की। भारत को लेकर तमाम बातें वह जो भारत में नहीं कह पाते हैं वह अपनी विदेश यात्राओं के दौरान करने की कोशिश करते हैं, और जब विदेश से लौटकर भारत में आते हैं तो उनकी राजनीति की दशा दिशा भी एकदम अलग टाइप की दिखने लगती है, जुबान भी उनकी अलग किस्म से चलने लगती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर मृगांक भाई से बातचीत करेंगे। मृगांक भाई, आपका नेशनल व्हील्स पर स्वागत है। आपके दोस्त एक बात ये बताएं कि अभी जो चीन को लेकर के राहुल गांधी ने कहा उस पर हमें जहां तक याद आता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी और उनकी माँ सोनिया गांधी कितने असरदार थे, यह कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि भारत सेवा क्षेत्र का देश है और इसी में विकास करेंगे, हम प्रोडक्शन को बहुत प्रोत्साहित नहीं कर रहे। तो फिर राहुल गांधी उस समय जब प्रभावी थे तो उन्होंने उत्पादन पर जोर क्यों नहीं दिया, जिसे आज उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि भारत में कोई चीज़ बनती नहीं है। आपको क्या लगता है कि यह अमेरिका में जाकर उन्होंने इस बात को क्यों कहा होगा? नमस्कार। राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है, ये अमेरिका यात्रा काफ़ी रहस्यमयी है और ऐसा लगता है कि वो अपने जो भी उनके मेंटर्स हैं, सहयोगी हैं, उनसे ट्यूशन लेने गए हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी के जो बयान हैं उनकी भारत में इस समय आलोचना समालोचना हो रही है। दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट राहुल गांधी ने वहाँ पे कही जो उनको जो है देश में कहते तो ज़्यादा बढ़िया होता, और उन्होंने जो बयान दिया उस बयान से कहीं ना कहीं भारत में मतलब निकाला जा रहा है कि वो भारत में जो इस समय विदेशी निवेश आ रहा है उस निवेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा निवेश आए, मोदी सरकार कम निवेश ला पा रही है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो प्रभावित इस अर्थों में करना चाहते हैं कि जो निवेश भारत में आ रहा है उसका बेहतर डेस्टिनेशन भारत नहीं है। अच्छा, उसका डेस्टिनेशन जो है वो चाइना, क्योंकि चाइना में ढेरों सामान प्रोडक्शन हब है चाइना, और चाइना में ढेरों सामान का निर्माण होता है। वास्तव में राहुल गांधी ये जो खेल खेल रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक खेल है। जी, वो मोदी सरकार की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी, मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया पॉलिसी पे वो हमला कर रहे हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया पॉलिसी ये है कि जिसके तहत विदेशी जितने भी फैक्ट्रियां हैं या निवेश है उनको भारत में बुलाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे यहाँ के रॉ मटेरियल भी यूज़ कीजिए, कुछ बाहर से भी ले आइए और यहाँ पे असेंबली यहाँ पे आप दे। तो उस वो जो असेंबली लाइन, इस समय दुनिया में प्रोडक्शन कहीं भी कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि हम 100% प्रोडक्शन कर सकते। प्रोडक्शन इस समय दुनिया एक गाँव बन गई है, विश्व एक गाँव बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया। तो प्रोडक्शन जो है उसके अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग देशों का खर्चा है। भाई ये बताइए, क्या राहुल गांधी फिर निवेशकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत में निवेश करने के बजाय आप चीन में निवेश करिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे ऐसा ही है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इससे राहुल गांधी को और भारत को भला क्या लाभ होगा या भारतीयों को क्या लाभ होगा अगर कंपनियां चीन में चली जाएंगी? तो राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनियां चीन चली या निवेश भारत में ना। राहुल गांधी का जो इस समय मुख्य दृष्टिकोण है तो उन्हें सत्ता चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। ठीक है, और उस सत्ता को पाने के लिए वो वर्तमान जो सरकार है और भारत का जो विकास है, क्रमिक विकास है,
उसे वो किसी भी तरीके से ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार गलत रास्ते पे चल रही है, भारत सरकार की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, यदि निवेशक यहाँ आएगा तो उसका फायदा नहीं है, तो ये बताना चाहते हैं। और साथ में वो दुनिया को ये भी बताना चाह रहे हैं कि भारत में चीप लेबर नहीं है, लेबर ऐसा नहीं है जो उसमें काम कर सके। जो उनका एक बयान आया चीन में जी, उस बयान में उन्होंने कहा कि चीन में जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा कि चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, भारत में बहुत भयंकर बेरोजगारी जी। तो मुख्य बात उन्होंने विदेशी निवेशकों से ये कहनी चाहिए जो भारत में लोग आना चाहते हैं कि भारत में स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है, और चीन में स्किल्ड लेबर है, क्योंकि वहाँ के चीन के लोगों को कंपनियां नौकरी देती हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है बेरोजगारी। एक चीज़ बताइए विकल भाई, क्या ये वाकई में सच है कि चीन में कोई बेरोजगारी नहीं? हम तो जो जानते हैं चीन में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ की जितनी आबादी है सबको कोई वहाँ की सरकार रोजगार नहीं देती। देखिए, ये चीन की कहानी जो है वो थोड़ी डिफरेंट। चीन निश्चित तौर पे चीन की संक्षेप में ही बताता हूँ कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे रास्ते पे थी। उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भारत की जीडीपी के बराबर है, 3 ट्रिलियन से ऊपर। और वहाँ वो यूरोप ने और अमेरिका ने वहाँ पे अपना सारा प्रोडक्शन हब, अपने प्रोडक्शन का काम उनको दे दिया, उनके सारे चीज वहाँ बनती है। निश्चित तौर पर चीन में बेरोजगारी कम। पर जब ये कोविड आया और कोविड से लड़ने की जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई शी जिनपिंग ने, उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें वहाँ एक के बाद एक उसकी जीडीपी के ग्रोथ रेट घट गई है। वहाँ बैंक्स बंद हो रहे हैं, प्रोडक्शन में नीचे की स्तर चला गया, वहाँ कंपनियां भाग रही हैं। एक बात बताइए विजान भाई, भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहती है कि कोविड के बाद जो परिस्थितियाँ वो आर्थिक क्षेत्र में उभरी या राजनैतिक तरीके से ही उभरी, चीन से बड़ी संख्या में कंपनियां भागकर भारत आ रही हैं और भारत में निर्माण क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। मोबाइल उत्पादन में भारत आज की तारीख में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। दवा के उत्पादन में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के उत्पादन में भी भारत काफ़ी आगे निकल चुका है कोविड के पहले की अपेक्षा। तो क्या राहुल गांधी ने जो कहा वह बात सही है कि सब कुछ चीन में ही बनता है, भारत में कुछ नहीं है? राहुल गांधी ने जो कहा है वो निश्चित तौर पे सत्य का एक अंश है जी, पर वो पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है कि भारत ने बहुत तेजी से उन क्षेत्रों में काम किया है जहां भारत पिछड़ रहा। जी जी, अब दवा का रॉ मटेरियल जो बहुत बड़े पैमाने पे चीन में बनता था, उस रॉ मटेरियल के फील्ड में इधर बहुत काम हुआ है और इधर हमने आयात कम किया। इसी तरीके से जो गाड़ी बनाने का काम जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत में बहुत सा विदेशी निवेश भी हुआ है और ढेर सारे भारतीयों ने भी काम किया और बहुत से कल पुर्जे भारत में बनने लगे हैं जी। ढेर सारे इंजन जो है वो भारत में बनने लगे हैं, इसके लिए चाइना पर निर्भरता जी ये धीरे धीरे कम हो। और इस कम होने को ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो गैप क्रिएट किया था राहुल गांधी के दादी ने, उनके पिताजी ने, उनके रिश्तेदार जो भारत में प्रधानमंत्री थे, उनके शासन के पीरियड में ही चीन ने दुनिया के प्रोडक्शन हब बना। तो ये जो गैप भारत और चीन के बीच में हो गया था, उस गैप को भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर कम किया है और उसी का परिणाम है कि भारत आज की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती है। भाई एक बात बताइए, जब राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हैं तो भारत में या भारतीय जनता पार्टी में खलबली क्यों मच जाती है कि राहुल गांधी चीन की तारीफ करते हैं? क्या इससे राहुल गांधी और चीन के बीच में किसी संबंध का, या कांग्रेस और चीन की पार्टी के बीच में संबंध का जो पुराना गठजोड़ था उसका कोई असर तो नहीं है? राहुल गांधी जब अमेरिका में जाके चीन की तारीफ करते हैं तो न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी खलबली मच। अच्छा, अमेरिका में जो डीप स्टेट है वो बटा हुआ जी, और अमेरिका में भी राहुल गांधी के इस बयान को बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिया गया है और राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है ये बयान ठीक नहीं। अमेरिका क्यों परेशान होगा? अमेरिका का परेशान होने का कारण है कि अमेरिका में जो स्टेट डिपार्टमेंट है और डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन दोनों के व्यू में बहुत अंतर है। अच्छा, तो जार सोरो सेंस कंपनी है वो स्टेट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, और जो जो डिफेंस
का व्यू रखते हैं, जो अभी जीतेन सिंह भारत में आए थे जो वहाँ डिप्टी एनएसए हैं, उनसे वार्ता हुई उन्होंने, तो उन लोगों का व्यू अमेरिका के चीन के विरुद्ध रहता है। अच्छा। और उन लोग का ये वो रहता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जाए। तो राहुल गांधी का जो बयान है वो चीन के प्रभाव को और बढ़ाता है। मतलब राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन को लेकर जो सकारात्मक बयान दिया वो भारत के ही खिलाफ नहीं है, वो अमेरिका में भी चीन के प्रभाव को बढ़ाकर दिखाने की एक किस्म की कोशिश है। कोशिश निश्चित है। आपने बीच जॉर्ज सोरेस का नाम लिया। राहुल गांधी भारत में जब भी कुछ करते हैं तो उसमें जॉर्ज सोरेस का नाम जरूर जुड़ जाता है। अभी ये भी चर्चा है कि अमेरिका गए हैं तो जॉर्ज सोरेस से जुड़े हुए तमाम लोगों से भी उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुलाकातें होंगी। और भारत में जो चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक विधानसभा चुनाव के बीच में जब सभी पार्टियों के नेता उन राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, उस चुनाव प्रचार के बीच में राहुल गांधी अमेरिका गए, तो इसका क्या कोई रिलेशन है या केवल एक सामान्य उनका दौरा है और वहाँ उनका जो कांग्रेस की वहाँ है अंतर्राष्ट्रीय उनका संगठन है उसका बुलावा और एक सचिव कोर्ट जैसा कुछ है? राहुल गांधी का कोई भी दौरा कभी भी वो एक बैग नहीं होता, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। जो सैम पित्रोदा महोदय हैं, सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनको हटा दिया गया था एक बयान के बाद, फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के अंकल भी हैं, उनके मेंटर भी हैं, पटकथा वही लिखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। पप्पू नहीं है, तो ये जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो उन्होंने ये जो जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है उस तरीके को आप देखेंगे तो उसमें ये आप कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए, मैच्योर पॉलिटिशियन है। पर जबकि जो उनकी स्वतंत्र निष्पक्ष आलोचना हो रही है उसमें कहीं ये चीज़ नहीं आ रही है कि वो स्वयं या कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई अंतरक्रिया के तहत निर्णय लिए जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं और ये जो यात्राएं हो रही हैं ये सीधे दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं विदेशी दबाव है, जिस दबाव को ये चुनावों के दौरान ही राहुल गांधी को विदेश यात्रा कर लेते हैं या अमेरिका ब्रिटेन में जाते हैं, इससे जॉर्ज सोरेस का क्या लेना देना है, भारत की राजनीति से जॉर्ज सोरेस का क्या लेना देना है? अभी आपको एक बयान मार्क जुकरबर्ग का जी, मार्क जुकरबर्ग ने एक बयान दिया, उसने कहा कि मैं जो है कोविड के दौरान हमारे ऊपर बहुत दबाव, तो ये मार्क जुकरबर्ग ने ये अपना आधा ही स्टेटमेंट दिया। पूरा का पूरा कोविड के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर दबाव था कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मंतव्य है उस मंतव्य से अलग जो भी विमर्श है उस विमर्श को फेसबुक पे दबा दे, डिलीट कर दे, खत्म कर दे और उस तरीके की जो पोस्ट लिखी जाए, ये एक नैरेटिव दुनिया भर में डेमोक्रेटिक पार्टी का नैरेटिव सेट करने की कवायद है जिसका कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे हिस्सा बनती जा रही है। ठीक है, और जो अरब स्प्रिंग आया था वो ट्विटर के माध्यम से आया था, पर वर्तमान में जो भी बांग्लादेश में कांड हुआ, उसके बाद इंडोनेशिया में जो कांड हुआ और जो भारत में घटनाएं घट रही हैं, इसमें बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि फेसबुक का इस्तेमाल। ठीक, आप ये बात को ठीक करें, फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है। जॉर्ज सोरेस का, राहुल गांधी का, कांग्रेस का, सैम पित्रोदा का और भारत के आसपास घट रही घटनाओं का, बर्मा में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन हुआ, श्रीलंका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत के मणिपुर में भी तमाम हिंसा हो रही है, तो कई अलग अलग जगहों पर मैं पढ़ रहा था तो हुआ कि इन सब में जो ड्रग वाला हिस्सा है, ड्रग माफिया का हिस्सा है वो, जॉर्ज सोरेस का जो पार्ट है वो, और विभिन्न तरीकों से जॉर्ज सोरेस से जुड़े हुए भारत में जो लोग हैं वो, इन सब का एक नेक्सस है, वो पूरा नेक्सस, जैसे भारत के पड़ोसी देशों में हिंसा हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत में भी कुछ वैसा करने की कोशिश की जाती है। आपने भी अभी कल रात में ही अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़ा हुआ एक कमेंट किया जिसमें आपने लिखा कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो भारत से ये फलाने फलाने नेता गए हैं, तो मैं चाहता हूँ जरा हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि भारत से इस समय अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख लोग गए हुए हैं और राहुल गांधी भी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, इन सबका एक साथ अमेरिका में पहुँचना क्या दर्शाता है इन चुनावों के दौरान, चुनावों के बीच में पहुँचना, तो जरा ये बता दिए कौन कौन लोग गए हैं और क्या इसका
राहुल गांधी की जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा के समय ही एक अमेरिका से ही ये न्यूज़ निकल के आई है और अमेरिका के पेपर्स में भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी है, कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जी, वो कमला हैरिस और ओबामा जी के बुलावे पे वहाँ पे गए हैं और वहाँ वन टू वन उन लोगों को मिले इसी के साथ बराक ओबामा और इसी के साथ हमारे जो तमिलनाडु के सीएम हैं वो सीएम साहब भी वहाँ पे एन के स्टालिन वहाँ पे हैं, तो उनकी भी मीटिंग, उनकी मीटिंग डिटेल सभी नहीं है पर उनकी मीटिंग वहाँ पे चल रही है। इसी के साथ तेलंगाना कांग्रेस के कुछ लोग और तेलंगाना कांग्रेस के कुछ बड़े अधिकारी भी अमेरिका में मौजूद हैं। इसी के साथ अमेरिका का वाणिज्य दूतावास और अमेरिका के डिप्लोमेट्स इंडिया में सक्रिय हैं जी, जो ओवैसी से मिल रहे हैं, अब्दुल्ला फिरंगी से मिल रहे हैं, साथ में वो किसान आंदोलन तथा कथित जो किसान आंदोलन के लोग थे उन लोगों से भी लगातार मिल रहे। तो ये दरअसल भारत को, भारत में जातिगत डिवाइड को फैलाने की बैप्टिस्ट चर्च की जो योजना है जी, अमेरिका बैप्टिस्ट चर्च का हेडक्वार्टर जी, तो बैप्टिस्ट चर्च की जो योजना है उस योजना का हिस्सा है, इसी में जॉर्ज सोरोस भी शामिल है जी, और हिंदुओं को डिवाइड करना जी, और डिवाइड करने की स्कीम में ही किसान आंदोलन भी है, वो ओलंपिक के खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पदक नहीं जीता जी, इसी के साथ उसमें ओवैसी भी शामिल है, इन सभी अपने एसेट्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि समाज में कुछ उथल पुथल हो और सरकार जो 10 साल में स्थिरता भारत में चली, जो भारत का विकास दर 7.5 को क्रॉस कर रहा है जी, उस विकास दर को तोड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए ये सारी कवायद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के आशीर्वाद से हो रही है। ठीक है, हम आपसे 3-4 बार पूछ चुके कि जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस और सन पिट्रोदा का क्या रिलेशन है, कि जब भी राहुल गांधी की यात्रा होती है जॉर्ज सोरेस का नाम जरूर मिल जाता है, जॉर्ज सोरेस के लोगों का नाम मिल जाता है। पिछले दिनों इसराइल के खिलाफ गाजा के समर्थन में दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें एक बुल्गारिया का नागरिक, जिसको बताया जाता है जॉर्ज सोरेस की संस्था से जुड़ा हुआ है, वो उस प्रदर्शन में शामिल था, जो राहुल गांधी से मिलने गया और राहुल गांधी के साथ उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। तो जॉर्ज सोरेस, राहुल गांधी, कांग्रेस, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सबके नाम बार बार क्यों जुड़ते हैं और भारत में जॉर्ज सोरेस कितने प्रभावी कैसे हो जाते हैं, भारतीय राजनीति को प्रभावित करने लगते हैं, आप क्या मानते हैं? जॉर्ज सोरेस दरअसल अमेरिकन डीप स्टेट का वो हिस्सा है जो भारत में जॉर्ज सोरेस साम्यवादी विचारधारा से, कम्युनिस्ट विचारधारा से, और उन लोगों का ये मानना है कि ये जो दुनिया है उस दुनिया में जो अमेरिका का नियंत्रण है वो नियंत्रण तभी प्रभावी और मजबूत रहेगा, सैन्य रूप से पावरफुल रहेगा, जब जो उनके अपोनेंट हैं वो अपोनेंट कमजोर रहे। ठीक, तो भारत जैसी उभरती हुई शक्तियों को कमजोर करने के लिए, उन्हें डिवाइड करने के लिए ही जॉर्ज सोरेस विशेष तौर पे काम करता है। फिर एक बार सवाल फिर उभरता है कि जब जॉर्ज सोरेस भारत को कमजोर करने के लिए काम करता है या दुनिया के तमाम देशों को कमजोर करने के लिए काम करता है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी का फिर जॉर्ज सोरेस के साथ, उसकी एजेंसियों के साथ, उसकी कंपनियों के साथ जो जुड़ाव सामने आता है उसे क्या समझा जाए? वो इलेक्शन फंडिंग उसमें एक उसका मुख्य हिस्सा है कि इलेक्शन की फंडिंग हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर नैरेटिव सेट करने जी, कि ये जो वर्तमान सरकार है ये बेहतर काम नहीं कर सकती जी, और ये कांग्रेस जो है ये भारत को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकती है, इसमें इंटरनेशनल नैरेटिव सेट करने में जॉर्ज सोरेस की भूमिका रहती है। विश्व भर में उनकी संस्थाएं फैली हुई हैं जो भारत के खिलाफ और भारत के खासतौर पर सनातन धर्म के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम करती हैं, और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में भारत एक मुख्य चैलेंजर राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं है, आध्यात्म के क्षेत्र में और सभ्यता के क्षेत्र में भी है, तो वो सनातन भारत और भारत की शक्ति को कमजोर करने के लिए इसे डिवाइड करना चाहते हैं, और उसी रास्ते पे ये लोग जो है भारत को बदनाम करने के लिए, कि जो राहुल गांधी ने अभी कमेंट किया कि हिंदू हिंसक जी, जी हिंदू हिंसक हैं और हिंदू हिंसा करता है और जो तमाम कम्युनिटियाँ हैं मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। हाँ, राहुल गांधी का जो कमेंट है मंदिरों में जो लोग जाते हैं छेड़छाड़ करते हैं, और उसके साथ ये है कि अच्छा एक चीज़ बताइए, जब ये बात हो गई कि हिंदू हिंसक हैं और मंदिरों में जो लोग जाते हैं छेड़छाड़ करते हैं, और अभी
जैसे देवता भगवान नहीं है, हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी जब इतना कमेंट कर जाते हैं और भारत में हिंदुओं के बीच में भी वो अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसी ही टिप्पणियाँ वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ या मुस्लिम में जो उनके धर्मगुरु हैं या इस्लाम में जो कुछ भी है उसको लेकर भी टिप्पणी कर सकते हैं, जो ईसाई धर्म है उसको लेकर भी वह टिप्पणी कर सकते हैं, या करने की उनकी क्षमता नहीं है जो हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी कर जाते हैं लेकिन ईसाई धर्म के खिलाफ इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई देखिए इसमें से एक शब्द नहीं हम करता। सीधी बात बताते हैं कि राहुल गांधी को आप ये समझते हैं कि वो खुद विश्लेषण करके देवता हिंदू और भगवान शिव इन सबों पर बात करते हैं, ये गलत बात है। राहुल गांधी एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव को लोगों के सामने रखते हैं, वो विचार किसी और के हैं, राहुल गांधी अपने मुख से रखते हैं। अच्छा, वो कभी भी वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ वो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जो मेंटर्स हैं वो उनको जो लिखा हुआ देते हैं वो हिंदू धर्म के बारे में ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो शिव पुराण पढ़ी है वो शिव पुराण कभी भारत में छपी ही नहीं, उनकी शिव पुराण ही अपनी है, मनगढ़ंत है। उनकी कोई भी जो संसद में उनका स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि शिव जी की अभय मुद्रा की बात की, तो शिव जी की अभय मुद्रा वही मुद्रा है जो लोगों को, जो लोग अनुशासित हैं, जो लोग धन के रास्ते पे हैं उनके लिए है। शिव जी के दो हाथ और हैं, वो दो उस हाथ में अंकुश है और दंड है जी। वो उन लोगों के लिए है जो लोग समाज को नष्ट करते हैं, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की। शिव जी केवल अभय ही नहीं देते, दंड भी देते हैं। तो ये जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं या कहीं भी, इनका सब मनगढ़ंत है, ये मनगढ़ंत नैरेटिव लेके आ रहे हैं और केवल हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए। इनका एक भी कमेंट आप देख लीजिए, कितने बांग्लादेश का कांड हो गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, एक कमेंट नहीं आया। ठीक है, कश्मीर पे एक कमेंट उनका नहीं आ रहा, और कश्मीर में वो 370 की वापसी के लिए भी वो बैटिंग कर रहे हैं। 370 की अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है उससे जो गठबंधन किया, अभी फारूक अब्दुल्ला ने एक दिन पहले ही बयान दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 370 खत्म करने में 70 साल लग गए, हम 370 को वापस लाएंगे, धैर्य रखिए, कुछ समय लग सकता है। और क्योंकि उनके गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है तो उन्होंने कहा कि हम सबकी यही राय, मतलब कांग्रेस की भी यही राय, उन्होंने पूरे इंडी गठबंधन की राय को सामने रखा कि हम 370 वापस लाएंगे। 370 ही नहीं, 35 भी वापस लाने की बात हो रही है। वो आने वाले समय में उनका नैरेटिव यही है कि कश्मीर में जिन वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट देने का 8 लाख लोगों को वोट देने का राइट मिला है, वो वोट वापस चला जाए और वो एक धुर इस्लामिक स्टेट के रूप में सामने आए। ठीक है, इस मंतव्य, इसी मंतव्य को उन्होंने वक्त कानून के तहत भी लाया। वक्त कानून पे जो 3 प्रेजेंटेशन हुए हैं उन प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, मंत्रालय ने क्या कहा, रेल मंत्रालय का प्रेजेंटेशन हुआ है और उसके साथ ASI का हुआ है और एक और डिपार्टमेंट का हुआ है, उन सारे विकास भाई, मैं वक्त वाले मुद्दे पर आपसे फिर एक अलग से करूँगा क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है और मैं पिछले 2-3 दिनों में कुछ फोटो, कुछ वीडियो, कुछ जो एक्सपर्ट लोगों की टिप्पणियाँ हैं उसको मैंने कलेक्ट किया और उसमें देखा कि पूरे देश में जो मुस्लिम समाज के अंदर काम करने वाले तमाम संगठन हैं वो संगठन समाज को अपने जागरूक करके लोगों को कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड के समर्थन में लिखिए, पत्र लिखिए। और क्या ऐसा कोई भी मूवमेंट, एक मूवमेंट चल रहा है वह, या मूवमेंट लगभग वैसा है जैसे मूवमेंट चल रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सबको तमाम एक प्रमाण पत्र बांटे थे कि ये पक्की नौकरी, पक्का वजीफा, पक्का ये, पक्का पैसा, पक्का ये, वैसे ही मूवमेंट इसमें जो मुस्लिम समाज के अंदर काम करने वाले संगठन वो कर रहे हैं। मित्रों, मृगांक भाई को आपने सुना और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी अमेरिका से लौट कर जब भारत आएंगे और करीब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद इस यात्रा का असली स्वरूप, असली मंतव्य सामने आएगा, मैं इस बात की उम्मीद इसलिए करता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि पूर्व में जो उनकी विदेश यात्राएं थी उसके परिणाम आने में भी 2-4-6 महीने, साल भर समय लगे थे। मृगांक भाई हमारे साथ आए और एक मिनट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आने वाले समय में आप लोग जो वर्तमान कांग्रेस शासित राज्य हैं उन कांग्रेस शासित राज्यों में आप ये देखेंगे कि किसान आंदोलन टाइप या भारत सरकार को परेशान करने वाले कुछ ऐसे काम होंगे जिनसे कि ये कमजोर सरकार है ये नैरेटिव लोगों, इस तरीके की चीजें तेलंगाना में होंगी,
आपका जो है कर्नाटक में और कांग्रेस शासित राज्य में, मतलब हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक या जो भी कांग्रेस शासित राज्य होंगे, विकान भाई कह रहे हैं उन राज्यों में आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे यह साबित हो कि भारत सरकार नकारा है, नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, यही विकान भाई कहना चाह रहे हैं। क्योंकि विकान भाई बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, हम अगले वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। आपको यह बात मृगांक भाई के तर्क तक पसंद आए हो तो आप अपनी टिप्पणी करना करते ही ना भूलिएगा। लिंक को, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और नेशनल वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।